2022 के एंड होने पर काफी सारे यूट्यूबर्स ने 2022 के बेस्ट एनिमे के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें एक यूट्यूबर ने अपने कम्युनिटी टैब में ऑडियंस से पूछ लिया था कि तुम्हारे अकॉर्डिंग 2022 का बेस्ट एनिमे कौन सा है, और वहां पे 90% ऑडियंस ने समर टाइम रेंटिंग का नाम लिखा था। कमाल की बात यह है कि जिस एनिमे को मैंने नाम तक नहीं सुना, लोग उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहे हैं। तो डेफिनेटली इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद मैं गूगल में गया, मैंने वहां सर्च करा और इसका आउटर इंटरफेस देखकर मैंने खुद से ये अज्यूम कर लिया कि ये एक रोमकॉम टाइप एनिमे है, तो अभी के लिए इस एनिमे को छोड़ देते हैं और जो मैं अभी देख रहा हूं उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद एनिमे क्लाउड यानी बादल ने भी टॉप 10 एनिमे के ऊपर वीडियो बनाई, जिसमें उसने समर टाइम रेंटिंग को भी रिकमेंड करा था। काफी शॉर्ट में उसने इसका प्लॉट बताया, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो मूवी देखी थी, जो कि मुझे काफी पसंद आई थी। तो फिर मैंने समर टाइम रेंटिंग एनिमे को देखना स्टार्ट कर दिया और इस एनिमे के साथ मेरी जर्नी काफी बढ़िया रही। हालांकि एनिमे के अंदर मुझे कुछ कमियां भी लगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऑल ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस था एनिमे को लेकर वो काफी बढ़िया था। एनिमे का मेन प्लॉट कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट शिनपाई अपने होम टाउन हितोगाशिमा वापस आता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड या अपनी स्टेप सिस्टर उशियो के फ्यूनरल को अटेंड करने। उशियो की डेट एक छोटी बच्ची शिओरी को ओशन में बचाते हुए हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि एक्चुअल में जो उशियो के साथ हुआ था वो कोई इंसिडेंट नहीं था, एक्चुअल में उसका मर्डर हुआ था। उशियो की छोटी बहन मियो को कहना ये होता है कि उसने इंसिडेंट से पहले उशियो की शैडोई क्रिएचर को देखा था। देखो, इस टाउन के अंदर शैडोई क्रिएचर की स्टोरी काफी सालों से चलते हुए आ रही है। शैडो बेसिकली क्रिएचर है जो कि किसी भी ह्यूमन या किसी भी चीज को स्कैन करके उनकी एक कॉपी बना सकती है, और जिन शैडोज का खाना है वो है ह्यूमन मेमोरीज को ईट करना। इन शॉर्ट बोले तो इंसानों को मार के अपना पेट भरते हैं। शैडो और ह्यूमन का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जितनी शैडो बढ़ती जाएगी उतनी ही ह्यूमैनिटी कम होती जाएगी। नहीं, जापान की पॉपुलेशन कम होने का ये रीजन नहीं है। और अगले ही दिन पता चलता है कि शिओरी, वो बच्ची जिसे उशियो ने ओशन में बचाया था, वो और उसकी पूरी फैमिली भी गायब हो चुकी है। जहाँ पे शिनपाई और मियो को डर रहता है कि कहीं उस बच्ची की जान भी ना चली जाए, तो बस अब अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को शिओरी को बचाना है, उशियो के मर्डर का पता लगाना है और शैडो को डिफीट करके ह्यूमैनिटी को भी बचाना है, जिसके लिए सिनपाई के पास पावर है। कैसी पावर? टाइम लूपिंग की। मतलब ये जब भी मरेगा इसकी लाइफ वापस से रिस्पॉन हो जाएगी। समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि मेरे पास टाइम लूपिंग की पावर है और आज है 19 फरवरी, और मान लो कि 21 फरवरी को मेरी डेथ हो जाती है, वापस से मेरी लाइफ रिस्पॉन होगी और 19 फरवरी से मेरा वापस से दिन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन दो दिन के अंदर जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुए, एक्टिविटी हुई और मेरे किसी एक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो सब मुझे याद रहेंगे। मतलब कि इन दो दिन का फ्यूचर मुझे पता है, तो मुझे अपने एक्शन को चेंज करके अपना फ्यूचर बदलना होगा। तो यही वाली एबिलिटी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास है, तो इसका यूज करके वो कैसे सारी चीजों को बदलता है वही तुम्हें सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी मैंने अब तक तुम्हें बताया उसके अकॉर्डिंग अगर तुम अभी से अपने मन में कोई थ्योरी बनाने लग गए, तो मैं तुम्हें बता दूं आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जो तुम सोचोगे वैसा तो नहीं होगा। लेकिन जो भी मैंने तुम्हें अब तक बताया एक स्पॉइलर फ्री प्लॉटिंग के हिसाब से बताया है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड क्लाइमेक्स हैं जो कि सीरीज को काफी अलग लेवल पे लेके चली जाती है। सीरीज के अंदर काफी अच्छे खासे शॉकिंग मूवमेंट भी मिलते हैं, जहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन हो सकता है कि भाई ये चल क्या रहा है। सीरीज के अंदर तुम्हें टाइम के साथ साथ काफी सारे न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि सीरीज को कम बोरिंग बना देती है। ज्यादा एलिमेंट्स ऐड होने के रीजन के चक्कर में सीरीज के अंदर मिस्ट्री भी बढ़ जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। इन चीजों के चक्कर में सीरीज बोरिंग कम और इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाती है, लेकिन यही चीज सीरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है। देखो, सीरीज के अंदर ज्यादा चीजें ऐड होती है, उससे मिस्ट्री भी बढ़ जाती है और बोरिंग कम हो जाती है, राइट। लेकिन अगर तुम एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाओगे, मिस्ट्री बढ़ाते चले जाओगे और उस मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, तो फिर उसमें इतना मजा नहीं आता। क्योंकि अगर मेरे पास उस चीज की एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगी, तो मैं उस चीज को इग्नोर ही करूंगा, और जो मेरा मेन फोकस है वो उसी चीज पे होगा जिसे मैं स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहा हूँ। दैट मींस कि नई चीजें तो आ रही है और मेरा फोकस भी जा रहा है, लेकिन उसकी तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, जिस रीजन के चक्कर में मुझे फोकस उसी चीज में करना पड़ रहा है जो कि मैं स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहा हूँ। तो ये मुझे काइंड ऑफ सबसे बड़ा सीरीज का डिसएडवांटेज लगा था। लेकिन ये चीज मुझे 12वें एपिसोड तक ही फील हुई, उसके बाद काफी सारी चीजों की तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। 12th एपिसोड तक सीरीज के अंदर मुझे मजा आया था, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे एंजॉय नहीं करा। डेफिनेटली इतने एलिमेंट्स आ रहे थे, तो देखने में एक बार मैं खुद सोच भी रहा था कि चल गया रहा है। उसके बाद मैं एपिसोड देखता चला गया और फिर आता है एपिसोड नंबर 18 और उसकी एंडिंग। पहले मैंने भी सोचा कि यार ये हुआ क्या, लेकिन फिर सोचा यार इतना ज्यादा परेशान हो क्यों रहे हैं। देखो, स्पॉइलर तो दे नहीं सकता, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो कि मेरे पास टाइम लूपिंग की एबिलिटी है और आज है 19 फरवरी, ऐसे ही वापस से 21 फरवरी आती है और उस दिन जब मैं मरता हूं, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ टाइम लूप में लेके चले जाता हूं। मतलब कि जब 19 फरवरी को मैं वापस से जिंदा हुआ, तो तुम्हें भी मैं अपने साथ लेके आया हूं, और फिर 20 फरवरी के दिन तुम मेरे से पहले मर जाते हो। तुम वही हो जिसे मैं 21 फरवरी से 19 फरवरी में लाया, अब तुम 20 फरवरी के दिन मर चुके हो। उसके बाद मेरी भी डेट हो जाती है और मैं 19 फरवरी में वापस से रिस्पॉन्ड कर जाता हूं। तो अब बताओ कि मैं परेशान क्यों हूंगा, क्योंकि करेंटली जिस डायमेंशन में मैं एग्जिस्ट करता हूं, उसमें तुम भी तो एग्जिस्ट करोगे ना, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है। सेम चीज तुम्हें इस एनिमे के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन सीरीज के खत्म होने के बाद जब मैंने इसके बारे में वापस से सोचा, तो मेरे को इसके बारे में समझ आ गया था कि एक्चुअल में चल गया रहा था। वैसे काफी हद तक क्लैरिटी तो मुझे 22 एपिसोड तक मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी जो एक कैरेक्टर को लेकर
मुझे समझ नहीं आ रहा था वो सीरीज को खत्म होने के बाद मैं समझ गया था। तो इतना कुछ बता के मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, यही कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो तो थोड़ा बहुत पेशेंस रख लेना, पहले सीरीज को खत्म कर लेना, उसके बाद तुम्हें भी समझ आ जाएगा। सीरीज के अंदर इमोशनल सीन मैं बोलूंगा थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, अगर कोई मर भी रहा है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करके वापस से टाइम को ठीक कर सकता है। लेकिन जो उसका लास्ट एपिसोड था मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, 24th एपिसोड तक मैंने सीरीज को एंजॉय करा था, लेकिन जो 25 एपिसोड में मुझे इसका पे ऑफ मिला वो कंप्लीटली सीरीज को लेकर वर्थ इट था। लास्ट एपिसोड में फील हो रहा था हां जो मैंने 24 एपिसोड जो मैंने 9 घंटे सीरीज में दिए हैं वो कंप्लीटली वर्थ इट निकला। लास्ट एपिसोड है ही ऐसा, ये वापस से वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, ऑल ओवर एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है, डेफिनेटली तुम इस एनिमे को जाके देख सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। एंड थैंक्स टू बादल जिसके चक्कर में मैंने सीरीज को देखना स्टार्ट करा। वैसे एनिमे क्लाउड तक तो ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, तो तुम एक काम करना, कमेंट में जाओ, कमेंट करो जिससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े और क्या पता बादल तक ये वीडियो पहुंच जाए।